देखिए जिंदगी में कामयाबी के लिए लेना होता है एक्शन, और एक्शन लोग क्यों नहीं ले पाते हैं, और एक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन को आप टाल मटोल भी बोल सकते हैं, लेकिन 100 में से 99 लोग जानते हैं यार क्या करना है लेकिन कर नहीं पाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, ये टाल मटोल की वजह से। अगर आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहकर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो 10-15 मिनट के बाद यह प्रॉब्लम आपके लिए हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट में मैं आपको देने वाला हूं 11 कमाल के प्रूवन आइडियाज जो आपकी जिंदगी से प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 11 के 11 आइडियाज एक दूसरे से यूनिक है, और आपको सारे 11 पे काम नहीं करना है। जस्ट पिकअप 1, 2, 3 कुछ उठाइए, काम करना शुरू करिए, एंड आई एम श्योर ये टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की बीमारी आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मेरा जिंदगी का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, कुछ भी पढ़ता हूँ, कुछ भी सीखता हूँ, ट्राई करता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ, उसके रिजल्ट आने लगते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कर लेता हूँ, उससे और अच्छे रिजल्ट आते हैं, और आके मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर देता हूँ। हमारे चैनल पर अभी 800 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और एक भी वीडियो ऐसा नहीं जो मैंने बनाया लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूं कि मुझे ऐसा काम करने का मौका मिल गया जो मैं सारा दिन कर सकता हूं, जो मेरा पैशन भी है। तो मेरे पैशन को, मेरी हॉबी को मैं मेरे प्रोफेशन में बना पाया, इससे सच बिग ब्लेसिंग। और दुनिया भर के 1 मिलियन से ज्यादा लोग हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर हैं, और लोग इस चैनल पर क्यों हैं, क्योंकि वो इन्हें बोलते हैं 24/7 ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी। अगर आपके परिवार में, दोस्तों में, फैमिली में, टीम में कोई ऐसे लोग हैं अभी भी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एकदम सब्सक्राइब राइट नाउ। आइए जल्दी से जानते हैं 11 चीजें जो आपकी जिंदगी से प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। पहली, थिंक ऑन पेपर, लिखना शुरू करिए। हमारी जो नई जनरेशन है उनको लगता है सब कुछ मोबाइल पे हो जाए। पहले हम लोग नोटबुक पे लिखते थे, उससे फिर हम लोग मोबाइल पे लिखने लगे, व्हाट्सएप वगैरह पे लिखते थे हम। अभी उसमें भी वॉइस के प्रॉम्प्ट्स आ गए हैं और अब हम वॉइस नोट्स भेजने लगे हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट, आई लव टेक्नोलॉजी, वेयर एवर आई एम टुडे इज ओनली बिकॉज ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द राइट वे। बट पेपर पे लिखना और पेपर पे प्लानिंग करने का परिणाम बेमिसाल है, ट्राई करके देखो। एक ऑथर है जिन्हें मैंने कॉलेज टाइम से बहुत पढ़ा है, नाम है ब्रायन ट्रेसी, दिल्ली आए हुए थे तो उनसे मिलने का भी मौका मिला। उनकी एक किताब है ईट दैट फ्रॉग, उस किताब से भी मैंने कुछ बातें ली हैं जो आपके साथ मैंने आज यहाँ पे शेयर की हैं इस वीडियो के माध्यम से। उस किताब में ब्रायन ट्रेसी साहब बोलते हैं कि दुनिया के करीब करीब 2-3% ही लोग होंगे जो लिखित लक्ष्यों के साथ काम करते हैं, रिटन गोल्स के साथ काम करते हैं, और ऐसा देखा गया है और बार बार ऐसा प्रमाणित हुआ है, तो वो लोग जो गोल्स को लिखते हैं उनको प्रायोरिटाइज करते हैं और अपने लिखित लक्ष्यों को रिव्यू और मॉनिटर करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो उन्हीं के जितनी एजुकेशन, उन्हीं के जितना टैलेंट, उन्हीं के जितना पोटेंशियल वाले जो लोग हैं सेम से दिखने वाले लोगों से, वो 5 से 10 गुना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं जीवन में। तो फिर क्यों नहीं, अगर ये छोटे से काम से बात बन सकते हैं तो दिन में 5-10 मिनट लिखना इज नॉट अ बैड डील। सो थिंक ऑन पेपर, और पेपर के ऊपर थिंकिंग करिए, प्लानिंग करिए। और दूसरी टेक्निक ये भी मैंने ब्रायन ट्रेसी साहब की उस किताब से सीखी है, नाम है ABCD मेथड का इस्तेमाल करिए अपनी टू डू लिस्ट को संभालने के लिए। बहुत सारे लोगों के पास टू डू लिस्ट होती है, फैशनेबल भी होता है, भाई मेरे पास लिखा हुआ है मैंने कौन कौन से काम करने हैं, तो टू डू लिस्ट बनाते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टू डू लिस्ट में हर काम करना जरूरी नहीं है। मैं ये बात अक्सर, अगर आप UCY में आए हो, हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, हम स्टेडियम में करते हैं, 3 दिन का इवेंट होता है। पिछले प्रोग्राम में 2000 लोग आए थे दुनिया भर के करीब 11-15 देशों से, 3 दिन का इवेंट था, लाइव इवेंट था, और वहां भी मैंने ये बात बार बार दोहराई थी अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ कि दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता है उस काम को शानदार तरीके से करना जिस काम को किया ही नहीं जाना चाहिए था। हो सकता है आप अपने टू डू लिस्ट के माहिर हों और आप लिस्ट में जो जो लिखते हैं वो सब करते हैं, लेकिन आपको अपने लिस्ट को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। तो अपने लिस्ट में आप जो भी काम लिखे ना, उनके आगे लिखो ABCDE। ए क्या होता है? बेहद जरूरी काम है, सबसे पहले इसको करना। बी जरूरी है लेकिन इसे मैं तब करूंगा जब ए वाले काम खत्म हो जाएंगे। सी करेंगे तो अच्छा है लेकिन अगर ना किया तो ऐसा कोई नहीं कि जीने मरने का प्रश्न हो जाएगा। डी से आप याद रखो डेलीगेट। तो ये वो काम है जो आपकी जगह पे कोई और भी कर सकता है, तो आप किसी साथी को, टीममेट को उन कामों को डेलीगेट कर सकते हैं। और सबसे शानदार आते हैं अब ये ई।
ई वाले ये वो काम है जो आपको कभी नहीं करने चाहिए। तो स्मार्ट बन जाओ। टू डू लिस्ट बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन टू डू लिस्ट बेकार है अगर ये ABCD मेथड नहीं है आपके पास और उसको आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं कि कौन सा काम पहले होना चाहिए कौन सा काम बाद में होना चाहिए। प्रोकेस्टिनेशन को मारने का तीसरा फॉर्मूला बेहद बेमिसाल है, ये भी ब्रांटर के हिसाब से मैंने दिल्ली में सीखा। 6P फॉर्मूला बोलते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। इंग्लिश में बोलूंगा, गौर से समझिएगा, सरल बहुत है। 6P है इसमें, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। 6P है इसमें, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। तो अगर आप किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर आप आगे आने वाले समय की पुअर परफॉर्मेंस को रोक सकते हैं। तो 6P फॉर्मूला को याद रखिएगा। प्लानिंग के लिए एक और फॉर्मूला है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ 5:95 रूल, 5:95 का सिद्धांत। 5:95 का सिद्धांत क्या है? जिंदगी में आप जो भी काम करने निकले, 5% समय लगाओ प्लानिंग और रिव्यू में, 95% लगाओ मैसिव एक्शन लेने में, जोर लगा दो कस के। तो 5% प्लानिंग के लिए, 95% है एक्शन के लिए। ये 5% इस 95% के अंदर में आपको डबल और ट्रिपल परिणाम दे देगा। तो 6P फॉर्मूला, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। इसके ऊपर से मैंने आपको बता दिया मेरा 5:95 का सिद्धांत। 5% का समय प्लानिंग में अगर लगा दोगे तो 95% से जो रिजल्ट आने थे 3 गुना बढ़ जाएंगे। चौथा, ये मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, जिसे मैं बोलता हूँ सिंगल फोकस। एक चीज पे एकाग्रता के साथ काम करिए। जब हम स्कूल में थे ना तो सूरज की किरणों को हम एक लेंस के माध्यम से घास पे, कागज पे, कभी कभी यहाँ उंगली पे भी ले जाया करते थे। वो किरणें नॉर्मल हैं चारों तरफ, लेकिन उन किरणों को अगर आपने केंद्रित कर दिया एक सिंगल बिंदु पे तो वो आग लगा देती है। कुछ नहीं हो रहा उन किरणों से, सिर्फ धूप है। लेकिन वही सेम किरणें, धूप वाली सेम किरणें जब एक बिंदु पे केंद्रित की जाती हैं तो वहां आग लग जाती है। मैंने मेरी चौथी किताब में खास एक चैप्टर लिखा है, उस चैप्टर की एक खास लाइन बता देता हूँ आपको। साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण कारनामे कर जाता है। ऑर्डिनरी पर्सन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट। तो आप ऑर्डिनरी मानते हो अपने आप को तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हो तो भी चलेगा, लेकिन दोनों केस में मेरे दोस्त एक चीज आपको चाहिए, क्या? सिंगल फोकस। एक चीज पे एकाग्रता से काम करें। टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ 11 तरीके जिससे आप अपने प्रोकेस्टिनेशन को, टालमटोल की आदत को जिंदगी भर के लिए खत्म कर सकते हैं। अगर आपको ये 4 आइडियाज या फिर आने वाले आइडियाज जो मैं बताने वाला हूँ, 7 और, अगर ये बढ़िया लगे और इनमें से कोई एक आइडिया भी आपको सूट किया तो नीचे कमेंट करके मुझे उस आइडिया के बारे में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन से आइडियाज हैं जो मेरी फैमिली को, मेरे ऑडियंस को सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर शेयर करना मत भूलिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। 5वां पॉइंट बताता हूं वीडियो में, 11 के 11 पॉइंट्स को आप जरूर समझिएगा। 80-20 के सिद्धांत का जरूर इस्तेमाल करिए। 80-20 का सिद्धांत क्या है? हमारी जिंदगी में 20% काम ऐसे होते हैं जो 80% परिणाम देते हैं, 20% एक्टिविटीज हैं 80% रिजल्ट देते हैं। आपको बस ये पकड़ होनी चाहिए और आपकी ये समझ साफ साफ होनी चाहिए कौन से वो 20% काम है। आपने अगर जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जो आप 15 काम करते हो, 10 काम करते हो, उसमें से वो 2-3 ढूंढ लिए ना जो 2-3 आपके 80% रिजल्ट्स देते हैं, तो फिर आपको करना क्या है? आपको अपनी जिंदगी का सारा समय, 90% समय सीधा इन 2-3 कामों पे लगा देना है बस। तो इसे पैरेटो प्रिंसिपल भी लोग बोलते हैं। तो 80-20 सिद्धांत का इस्तेमाल करिए। 6, ये मैं पहली बार मेरे चैनल पे बता रहा हूँ, बेमिसाल है। और ऐसे 1-2 चीजें और भी हैं जो आज हम पहली बार डिस्कस करेंगे, आज से पहले हमने किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी प्रोग्राम में भी डिस्कस नहीं की। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी, गौर से समझ लेना, ये आपकी जिंदगी का ब्रेक थ्रू हो सकता है। हमारे पास जिंदगी में हर काम करने के लिए समय नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सब कुछ कर पाए, लेकिन जो जिंदगी में जरूरी है उसके लिए हमारे पास समय जरूर निकल जाता है, राइट। तो आपको सिर्फ ये पता लगाना है जरूरी क्या है, जैसे मैंने 80-20 में बोला, जैसे मैंने आपको ABCD वाली रूल में बताया, आप बस ये पता लगा लो जरूरी क्या है। और जब एक बार आपका माइंड ये मान लेता है कि ये चीज करना हमारे लिए जरूरी है, वो फिर ना फोर्स कर देता है अपने आप, फिर वो अपने समय को आपको मजबूर कर देता है उसके लिए समय निकालने के लिए। समय पैदा करना पड़ता है मेरे दोस्त। और ये जो सिद्धांत है लॉ ऑफ फोर्स एफिशिएंसी, इसको आप गूगल पे और भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये बेमिसाल सिद्धांत है कि जरूरी चीजों के लिए समय निकालने के लिए खुद को मजबूर कर दीजिए। 7, बेहद बेमिसाल कमाल का है, अपनी हेल्थ संभालो। जिस दिन आपकी एनर्जी लेवल बेमिसाल होती है ना, और जिस दिन तुम अच्छा फील कर रहे होते हो, सॉलिड मजबूत फील कर रहे होते हो, उस दिन फिर तुम्हारा मन भी करता है कि यार आओ कौन सा काम है लेके आओ, मैं देखता हूँ यार।
यू नो, जब आपका मूड अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो फिर आप टाल मटोल कम करते हैं, आप अटैक करते हैं सीधे काम पर जाकर। तो बेहद जरूरी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आठवां, इसको भी आप गौर से समझ लेना, आज से पहले मैंने कभी मेरे किसी और वीडियो में, 800 से ज्यादा वीडियो है हमारे पास, इस पॉइंट को मैंने इस तरह से पहले कभी नहीं बताया होगा। मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर, इसको गौर से समझो आप, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर। दिन भर में कुछ 24 घंटे होते हैं, हम लोग करीब 8 से 12 घंटे काम करते हैं। इन 8 से 12 में से 2-3 घंटे ऐसे होते हैं यार, जो आपकी पीक वाले होते हैं, जब आप फॉर्म में होते हो। वर्ड आपने क्रिकेट में जनरली सुना होगा, विराट कोहली फॉर्म में है, या शुभम गिल फॉर्म में है, या पांड्या फॉर्म में है, या महेंद्र सिंह धोनी फॉर्म में है, व्हाटएवर इट इज। यार फॉर्म मतलब, फॉर्म एक ऐसा समय होता है जब आपको आपकी मेहनत के बदले कमाल के बेहतरीन परिणाम मिल रहे होते हैं, एवरेज से ज्यादा रिजल्ट आप निकाल पाते हो, एक्टिविटी सेम होती है, टाइम सेम लग रहा है, रिजल्ट बेमिसाल आ रहे हैं। आपके दिन भर में ऐसे 2-3-4 घंटे जरूर होंगे जब आप फॉर्म में होते हो, आपकी मेंटल फिजिकल एनर्जी टॉप पे रहती है, पीक परफॉर्मेंस का मूड होता है आपका। आपकी सबसे जरूरी कामों को उस समय में करिए आप, उस समय में आप सोशल मीडिया मत देखा करो, उस समय में आप ईमेल्स वीमेल्स ये सब मत किया करो। दैट टाइम यू मस्ट किल इट, लाइक एक लाइन में बोलो, यू मस्ट किल इट, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी एट मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम। नौवीं चीज, ब्रेक लिया करो यार, और छुट्टियों पर जाया करो रेगुलरली, मतलब हफ्ते में एक दिन तो ऐसा हो जब छुट्टी मना लो, महीने के बाद एक वीकेंड पकड़ लो पूरा, सैटरडे संडे, 3 महीने में एक बार आप 2 या 3 दिन के लिए छुट्टी कर लो आप। क्यों मालूम, जब आप थके हैं, परेशान हैं, ओवरवेल्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, ओवरवर्कड हैं, तो फिर ना आप टाल मटोल करते हैं ज्यादा चीजों पर, आपकी टाल मटोल करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब आप ब्रेक ब्रेक लेके आते हैं ना, रिचार्ज होके वापस आते हैं, फिर आपको लगता है कहाँ है काम, पता है यार कौन से पेंडिंग काम है, मैं निपटाता हूँ, यू नो, इट्स वेरी सिंपल यार, राइट? सो टेक रेगुलर ब्रेक। दो रह गए, गौर से समझिएगा। 10वां आइडिया है जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकते हैं, इज एलिमिनेट माइंडलेस ब्राउजिंग। ये सोशल मीडिया पे जो एंडलेस रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील, रील पे रील है ना, इसको रोक दो। या यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे शॉर्ट, शॉर्ट्स पे शॉर्ट, शॉर्ट्स पे शॉर्ट, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, ऊपर से स्नैपचैट, ऊपर से पता नहीं कौन कौन से और मोबाइल ऐप्स हैं और सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पे आप यूज करते हैं। माइंडलेस ब्राउजिंग ना, ये आपके माइंड को डल कर देती है, और आप धीरे धीरे वो मोबाइल स्क्रीन से जुड़े हुए सेडेंटरी से हो जाते हैं, मूवमेंट आपकी जीरो हो जाती है, फोन आपने पकड़ा हुआ है और माइंडलेस स्क्रॉल करते जा रहे हैं। अब आपका माइंड भी काम नहीं कर रहा, उस समय आपकी बॉडी भी काम नहीं कर रही है, और इस माइंडलेस ब्राउजिंग से स्लोली 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 यू गेट लेथार्जिक, एंड व्हेन यू आर इन लेथार्जी यू कांट डू एनीथिंग एक्टिवली, तो प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा हो जाता है। 11वां और लास्ट, हो सकता है कोई दिन यार उतना अच्छा ना गया हो, कोई बात नहीं, रीसेट का बटन दबा दो, रीसेट का काम छोड़ दो, 10-15 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, वॉकिंग कर लो, बॉक्स ब्रीदिंग कर लो, थोड़ा म्यूजिक सुन लो, किसी के साथ बात कर लो, या 15-20 मिनट के लिए कुछ खास देखना है तो देख लो। बेस्ट है फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, अगर कुछ कर पाओ आप, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर लो, उस जगह से हट जाओ यार, टेक अ ब्रेक है। अगर दिन अच्छा नहीं जा रहा, दोपहर तक चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, टेक अ ब्रेक, आधा घंटा जाके कॉफी पी के आ जाओ, किसी से बातें बातें करके आ जाओ, एंड देन कम बैक, रीसेट कर दिया करो अपने आप को। तो ये थे 11 तरीके जिनसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वेयर एवर यू हैव ग्रुप्स, वेयर एवर यू हैव पीपल, शेयरिंग इज केयरिंग है। यू नो, लोग कर सकते हैं, टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, करते नहीं है, टाल मटोल कर जाते हैं। वीडियो बनाने के लिए मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, आपको एक सेकेंड लगेगा, जस्ट शेयर इट। यू नो, जब आप और मैं अच्छी चीज़ों को बनाएंगे और शेयर करेंगे, तो हम एक ओवरऑल अच्छा माहौल बना सकते हैं देश में, समाज में, सोसाइटी में, दुनिया में। तो अच्छी चीज़ों को शेयर करते जाइए। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी एट द टॉप। चमकते रहिए, लव यू।